हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो उम्मीद कर रहा हूं पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी आप लोगों की। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 का, लेक्चर नंबर 5, ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो फार्माकोग्नोसिस हम लोग कर रहे हैं। फिर बता देता हूँ, लेक्चर के नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। जो कोई भी लेक्चर पहली बार देख रहा है, वो फार्माकोग्नोसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के जितने भी लेक्चर मैंने करा दिए हैं, उन सब के नोट्स कहाँ मिलने वाले हैं? डिस्क्रिप्शन में बकायदा लिंक मिलेगा, क्लिक करेंगे उसके ऊपर नोट्स आ जाएगा, उसको डाउनलोड करें। प्रिंट करा सकते हैं तो प्रिंट करा लें, या उसको मोबाइल में ही पढ़ सकते हैं उसको, या उसको अपने नोट्स बनाए, जैसा भी चाहें आप। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 5। ओके, ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम। तो यहां पर नर्वस सिस्टम क्या होता है, थोड़ा सा रिवाइज करा दूं मैं, और इसकी डिटेलिंग के लिए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर जो था ड्रग्स वाला, जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में हम लोगों ने कोलिनर्जिक, एंटी कोलिनर्जिक तमाम बातें डिस्कस करी थी, वो सारी बातें यहां चाहो तो थोड़ी बहुत ऐड कर सकते हो। ठीक है ना, तो देखो क्या है यहां पर, द नर्वस सिस्टम इज द मेजर कंट्रोलिंग रेगुलेटरी, कंट्रोलिंग और रेगुलेटरी, क्या मतलब होगा इसका, कंट्रोल करेगा और रेगुलेट करेगा। रेगुलेट का मतलब मैंने बताया था, जो चीजों को कम और ज्यादा करता है। एंड कम्युनिकेटिंग, कम्युनिकेट करेगा, वार्तालाप करता है, भाई किडनी सही चल रहे हो, नहीं चल रहे हो, अच्छा ये काम कर ले हो, कौन करता है ये, ब्रेन करेगा, है ना। लिवर से पूछेगा, ओके अच्छा ये दिक्कत आ रही बॉडी में, डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा जूस बढ़ा दो, खाना पच जाए अच्छे से। क्या होता है ये, कम्युनिकेशन होता है। ठीक है ना, कौन कर रहा है, ब्रेन आपस में, केमिकली करते हैं ये लोग, कैसे करते हैं, केमिकली। ओके, इन द बॉडी, हमारी बॉडी में, इट इज द सेंटर ऑफ ऑल मेंटल एक्टिविटी, हमारी जितनी भी मेंटल एक्टिविटी है उन सबका क्या है ये, सेंटर है। इंक्लूडिंग थॉट, जो हम सोच रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमारी मेमोरी है, उन सबको कोऑर्डिनेट करता है कौन, नर्वस सिस्टम, टूगेदर विद एंडोक्राइन। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, वो सिस्टम जो क्या निकालता है, हार्मोन्स निकालता है, क्या निकालेगा, हार्मोन्स, है ना, जो ग्रोथ हार्मोन वगैरह। ठीक है, तो एंडोक्राइन सिस्टम के साथ मिलकर के द नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग एंड मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस। एंडोक्राइन सिस्टम के साथ मिलकर के यह होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है। होम्योस्टेसिस पहले ही बता चुका हूं मैं, क्या होता है होम्योस्टेसिस, हमारी बॉडी का इंटरनल एनवायरमेंट, हमारी बॉडी के अंदर कौन सा एनवायरमेंट है, कौन सा है, टेम्परेचर हमारी बॉडी का हमेशा 37 डिग्री रहता है, पीएच अप्रोक्सीमेट 7.4 रहता है जो हमारे ब्लड का है। ठीक है, स्टमक में थोड़ा पीएच अलग रहता है, हमारी बॉडी में जो अंदर का क्या कहते हैं, जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, ठीक है ना। तो होमियोस्टेसिस में क्या आ जाती है, तमाम बातें जैसे कि टेम्परेचर है, पीएच है, ये हमारी बॉडी का एक मेंटेन बना हुआ है। तो हमारी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरमेंट है, बात समझ में आ रही है, कितना वेस्ट है, वेस्ट नहीं है, उन सबको मेंटेन रखना, दैट इज योर होम्योस्टेसिस। क्लियर है। अब नर्वस सिस्टम का, जिन बच्चों ने मेरा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का लेक्चर देख रखे होंगे उनको ये डायग्राम याद आ गया होगा, क्यों, सही बात है। तो क्या डायग्राम था, बड़ा सिंपल सा था, नर्वस सिस्टम को हमने दो पार्ट में तोड़ा हुआ है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल में कौन आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो हमारे बीच में है, पेरिफेरल जो हमारे साइड में होते हैं। पेरिफेरल में फर्दर दो टाइप के आते हैं, ऑटोनॉमिक जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, सोमेटिक जो हमारे कंट्रोल में है, यानी कि जैसे कि हमारी मसल्स, ये हमारी कंट्रोल में है। ठीक है, इसको फिर फर्दर सिंपाथेटिक, पैरासिंपाथेटिक, इसे सेंसरी मोटर, सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बात समझ में आ रही है। तो सिंपाथेटिक और पैरासिंपाथेटिक, सिंपाथेटिक क्या होता है, डर लगने की वजह से जो जो एक्टिविटीज होती है हमारी बॉडी में, पसीना आना, धड़कने बढ़ना, इसके उल्टा पैरासिंपाथेटिक। सोमेटिक में सेंसरी, कोई चीज़ गर्म चीज़ छुई, सिग्नल गया, हाथ हटाया, डेट इज सेंसरी मोटर एफरेंट, दिमाग ने सिग्नल भेजा यहाँ मसल्स में और उसने हाथ हटवा लिया, सेंस, ठीक है ना। तो सेंसरी जो मैसेज लेके जाएगा ब्रेन पे, मोटर जो ब्रेन से हमारे पास मैसेज आता है। ठीक है, डिटेलिंग के लिए जो हमने नर्वस सिस्टम का लेक्चर किया था ना, उसका मैं लिंक डाल दूंगा यहाँ पर। तो नर्वस सिस्टम की डिटेलिंग अगर एकदम से नहीं मिल रहा है तुम लोगों को, मिलेगा तो मैं उस लेक्चर का लिंक इसी के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नोट्स के नीचे या नोट्स के ऊपर, जैसा भी है। तो उससे बेनिफिट ये मिलेगा कि नर्वस सिस्टम अगर भूल गए हो तो एक बार फिर से क्या हो जाएगा, तुम लोगों का रिवाइज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है बातें, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं हम लोग। तो अब आ जाते हैं वहाँ पर ड्रग्स हायोसाइमस। फूल देख रहे हो,
किस तरह से है, ग्रीन में भी है, थोड़ा सा पिंक बैंगनी शेड में भी है। तो ये दिखा सिर्फ इसलिए देता हूँ, ये हमारे आसपास ही पाए जाते हैं, हमको इनका ज्ञान नहीं है कि ये फूल, ये पेड़, ये पत्ता इस काम में आता है, ठीक है ना, बिना डॉक्टर के लेना भी नहीं। ओके ठीक है, इट इज़ कॉमनली नोन एज हैनबेन, इसको हम लोग हैनबेन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? हैनबेन, ब्लैक हैनबेन और स्टिंकिंग नाइट शेड, ठीक है ना। स्टिंक मतलब जो थोड़ी सी गंदी सी बदबू सी आती है, स्टिंक करता है। इट इज अ प्लांट, क्या बोल रहा है, इट इज अ प्लांट दैट इज पॉइजनस इन लार्ज क्वांटिटी। कैसा है ये? पॉइजनस है इन लार्ज क्वांटिटी, अगर ज्यादा मात्रा में खा लिया तो जहरीला है, थोड़ा बहुत खाओगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। कौन सी फैमिली है इसकी? सोलनेसी फैमिली है। अच्छा, ये सब तो जनरल बातें जैसे बताई थी, है ना, पहले ही बता चुका हूँ कि क्या करना है, छोटी छोटी बातें इनके बारे में जनरल हमको याद रखनी है। ओके, क्या कह रहा है? द ड्राइड लीव्स ऑफ हैनबेन, द ड्राइड लीव्स ऑफ हैनबेन यील्ड मेडिसिनल अल्कलॉइड। जो मेन अल्कलॉइड्स इसके होते हैं किसमें पाए जाते हैं? ड्राइड लीव्स में। देखो यहाँ पे इसका सोर्स डिस्कस कर लिया हमने एक तरह से इनडायरेक्टली, है ना। मेन क्या है? एट्रोपिन, हायोसाइमिन एंड स्कोपोलामाइन डेट कैन बी प्यूरिफाइड फॉर द यूज इन फार्मास्यूटिकल। इनको हम लोग क्या कर लेते हैं? प्यूरिफाइड कर लेते हैं फॉर फार्मास्यूटिकल यूज। क्लियर है? इट इज यूज इन ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन। ट्रेडिशनल मतलब जो हमारे पुराने जमाने से चला आ रहा है। फॉर एलमेंट ऑफ द बोन्स, एलमेंट मतलब बीमारी, लिख लेना इसकी हिंदी क्या है, बीमारी। किसकी बीमारी के लिए? बोन्स की बीमारी के लिए। रूमेटिज्म, रूमेटिज्म क्या होता है? हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के ऑर्गन्स पे अटैक कर देगा। टूथ एक, दांत का दर्द है। अस्थमा है, कफ है, नर्वस डिजीज है या पेट का दर्द है, स्टमक पेन। क्लियर है? तो ये इसके कहीं ना कहीं यूज आ गए, इसको हम लोग कहाँ डाल सकते हैं? थेरापेटिक एफिकेसी में लिख सकते हैं। क्लियर है? इट माइट ऑल्सो बी यूज एज एनाल्जेसिक, ये पेन किलर के तौर पर, सेडेटिव है ना, जो दिमाग को सुला दे, और नार्कोटिक इन सम कल्चर। किसी किसी कल्चर में कहीं कहीं पर इसको हम लोग, कुछ लोग इसको पेन किलर के तौर पे, सेडेटिव जो दिमाग को शांत करे, नार्कोटिक जो है ना नशा सा करवा दे, दिमाग को सुला दे, उस तरीके से भी इसका हम लोग कई बार इस्तेमाल करते हैं कुछ कल्चर में। कल्चर मतलब हमारा इंडियन कल्चर है, कहीं अमेरिकन कल्चर है, अलग अलग जहाँ पर जो कल्चर है, पुराने जमाने की बात चल रही है। सिनोनिम की बात करें तो हैनबेन, हायोसाइमस हर्ब, हायोसाइमस लीव। क्लियर है? ओके, बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो ऑब्टेन फ्रॉम ड्राइड लीव्स, ये तो मार्क कर लिया, और फ्लावरिंग टॉप्स। ड्राइड लीव्स या फ्लावर का जो ऊपर का हिस्सा होता है, ऑफ हायोसाइमस नाइगर ऑफ फैमिली सोलनेसी। क्लियर है? केमिकल कॉन्स्टेंट 3, मेडिसिनल अल्कोलाइड, एट्रोपिन, हायोसाइमिन एंड स्कोपोलामाइन, ये इसके मेन 3 केमिकल कॉन्स्टेंट है जिसका हमको, जो हम लोग यूज करते हैं या फिर इनसे हमको क्या होता है, कुछ बेनिफिट होता है। थेरेप्यूटिक एफिकेसी की बात करें तो मेड्रियाट्रिक्स टर्म याद आया, आंखों की पुतली के बारे में, पीपल जो फैला देता है ना। एंटीस्पास्मोडिक दर्द, एठन वगैरह जो होती है मांसपेशियों में। एंटी मस्क्रेनिक, याद आया मस्क्रेनिक, कोलिनर्जिक वाले उस पार्ट में पढ़ा था हम लोगों ने, हाँ। और सेरेब्रल सेरेटिव, देखो फिर कह रहा हूं मैं, अब इस चैप्टर को जब पढ़ोगे तो एक बार फिर से नर्वस सिस्टम की बातें, जो नोट्स या तो नोट्स सामने रख लेना, उससे क्या बेनिफिट मिलेगा, ये चैप्टर तुम्हारे लिए आसान होता चला जाएगा। ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम है, चैप्टर बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, प्लस पुराना वाला भी क्या हो जाएगा, रिवाइज होने लगेगा। बात समझ में आ रही है? तो पुराने वाले चैप्टर जो हमारा नर्वस सिस्टम था उसका तुम सामने रख लोगे नोट्स, तब पढ़ोगे पक्का। ओके, तो पढ़ने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है ना, ताकि चीजें भूलो नहीं। आगे आते हैं बेलाडोना, ठीक है ना, बेलाडोना के पिक्चर्स दिख रहे होंगे तुम लोगों को, तो देखा किसने बेलाडोना, इस टाइप से होता है पत्ता और कुछ इसके बेरीज वगैरह। क्या कह रहा है? बेलाडोना और डेडली नाइट शेड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डेडली नाइट शेड, ठीक है ना। इज अ टॉक्सिक पेरेनियल हर्बेसियस प्लांट, पेरेनियल का मतलब समझा चुका हूं मैं, हर बार बताता हूं, जो एक तरह से कह सकते हैं सदाबहार है, मतलब वो हर साल फूल फल वगैरह देंगे या दो सीजन से ज्यादा उनका क्या लगता है, लाइफ साइकिल रहता है। हर्बेसियस प्लांट है, हर्ब है, क्लियर, पता है हर्ब, किन लोगों को नहीं पता, 3 कैटेगरी होती है, ट्री, श्रब्स एंड हर्ब्स। क्लियर है? कुछ बच्चों का ये भी पता नहीं होगा, ट्री जिसमें मोटे मोटे तने होते हैं, श्रब्स झाड़ीदार जिनकी पतली पतली टहनियां रहेंगी, जैसे कि हम कह सकते हैं गुलाब का पौधा, हर्ब जैसे धनिया, उसमें टहनियां नहीं होती हैं, है ना, वुडी स्ट्रक्चर नहीं होगा। क्लियर है? तो हर्बेसियस प्लांट।
इट बिलोंग्स टू फैमिली सोलनेसी विच ऑल्सो इंक्लूड, ये सोलनेसी को बिलोंग करता है। सोलनेसी में और कौन कौन आता है कैसे याद रखेंगे? अच्छा सोलनेसी इसमें से टमाटर आलू और एग प्लांट भी आता है। एग प्लांट ना याद रहा है कोई बात नहीं, टमाटर आलू याद रहेगा, है ना। कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है? टमाटर आलू वाली फैमिली, वो तो याद होगी बहुत से बच्चों को, अरे वो तो सोलनेसी हमने पढ़ा था। क्लियर है? इट इज नेटिव टू यूरोप नॉर्थ अफ्रीका एंड वेस्टर्न एशिया, ठीक है ना। कहाँ कहाँ पाया जाता है? देखो अगर कुछ बच्चों कहते हैं कि सर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो एक बता दूं मैं ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में तुम्हारा, अगर ये वेस्टर्न नॉर्थ ये याद ना रहे तो जनरल एशिया अफ्रीका और यूरोप ऐसा भी लिख सकते हो, नंबर मिलेंगे। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ओके। बट ये अपने सिलेबस में मेंशन नहीं है कि ज्योग्राफिकल सोर्स को याद करना है। तीन चीज़ें जो बेसिकली हमारे सोर्स में होती हैं कौन कौन सी हैं? बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कंस्टेंट और थेरेप्यूटिक एफिकेसी, ये अपने सिलेबस में मेंशन करके दे रखी हैं, इसीलिए हम उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। आगे आते हैं, द फॉलियज, फॉलियज मतलब पत्ता, फॉलियज मतलब पत्ता, एंड बेरीज, बेरीज ये बेर, बेर को क्या बोल देते हैं? बेरीज, ठीक है ना। आर एक्सट्रीमली टॉक्सिक, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती हैं, व्हेन इंजेस्टेड, इंजेस्ट मतलब निगल लिया जाए, कंटेनिंग ट्रोपेन अल्कोलाइड, जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं? ट्रोपेन अल्कोलाइड होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसको अपनी साधारण हिंदी बना सकते हो, द लीफ एंड द फ्रूट आर वेरी टॉक्सिक, है ना। मैंने क्या कहा? मैं हिंदी बताता चलता हूँ, उसकी तुम लोग उसका तुम लोग क्या करोगे, अपना सिंपल लैंग्वेज में कर सकते हो, लकीर का फकीर नहीं बनना है। ओके, दिस टॉक्सिन इंक्लूड, इस टॉक्सिन के अंदर क्या क्या होता है? एट्रोपिन, स्कोपोलामाइन, हायोसाइमाइन विच कॉज डिलीरियम, है ना, भ्रम सा पैदा करेगा, एंड हेलुसिनेशन, दोनों वर्ड किसके लिए होते हैं? भ्रम सा, चीज़ों का कोऑर्डिनेट ना कर पाना, है ना, जैसे शराबी शराब पी के लड़खड़ाता है, चीज़ों का कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है। एंड आल्सो यूज इन फार्मास्यूटिकल, एंटीकोलिनर्जिक, वर्ड आ गया एंटीकोलिनर्जिक, याद आया एंटीकोलिनर्जिक, इसलिए कह रहा हूँ नर्वस सिस्टम वाला पार्ट एक बार नहीं याद है तो देख लो, और लेक्चर नहीं देखना चाहते तो एटलीस्ट नोट्स एक बार देख लो कि क्या चीज़ें हैं उसमें। बात समझ में आ रही है? तो वहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बेलाडोना हैज अनप्रेडिक्टेबल इफेक्ट, इसके कई बार ना अनप्रेडिक्टेबल इफेक्ट्स होते हैं। अनप्रेडिक्टेबल का मतलब होता है कि हमको पता नहीं होता कि इसको खाने से ऐसा ऐसा भी हो जाएगा, ठीक है। द एंटीडोट फॉर बेलाडोना पॉइजनिंग इज फाइसोस्टिग्मिन और पीलोकार्बिन, ये इसके दो एंटीडोट है। मान लो किसी को दिया गया और ये उसको रिएक्ट कर गया, एक अनयूजुअल सा इफेक्ट आने लगा, समझ में नहीं आ रहा क्या है, तो ये वाली मेडिसिन दे दी जाती है तो बेलाडोना के इफेक्ट को खत्म कर देता है, ठीक है। द सेम एज फॉर एट्रोपिन, ठीक है। तो ये बातें समझ में आ रही होंगी कि क्या पढ़ रहे हैं हम लोग। ओके, तो कुछ जनरल बातें हैं, ठीक है। यहाँ से कुछ तुम्हारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह आएंगे हो सकता है उसमें कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाए, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो बेलाडोना लीफ, बेलाडोना हर्ब और बेलाडोना फोलियम। ओके, तो बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? ड्राइड और फ्रेश लीफ फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग टॉप्स ऑफ एट्रोपा बेलाडोना फैमिली, ठीक है ना। लीव हो सकता है, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टॉप हो सकता है, ऑफ एट्रोपा बेलाडोना ऑफ फैमिली, कौन सी फैमिली का? सोलनेसी फैमिली का। किस फैमिली को बिलोंग करता है? सोलनेसी को बिलोंग करता है, ठीक है ना। कहीं पे तुम लोग ऐसा लिख सकते हो कि ये इसका नाम हो गया बॉटनिकल नेम, फैमिली अलग से लिख सकते हो, यहाँ ऐसे लिख करके फैमिली मेंशन कर दो, ठीक है ना। अलग से मेंशन करना है फैमिली, एक लाइन अलग से बुला दो, एक लाइन में देना है तो अलग से कर दो, ठीक है। आगे आते हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या है? अल्कोलाइड, अल्कोलाइड में क्या है? एल हायोसाइमाइन, ठीक है, एट्रोपिन, बेलाडोना, स्कोपोलेटिन, हायोसिन, पायरिडीन, एंड मिथाइल पायरोलिन, वोलाटाइल ऑयल। क्लियर है? थेरोपेटिक एफिकेसी की बात करें तो कहाँ कहाँ ये काम में आता है? अस्थमा में, हुपिंग कफ, कोल्ड, हे फीवर जो एक एलर्जी वाला फीवर होता है, पार्किंसन डिजीज, मोशन सिकनेस ट्रैवलिंग के टाइम पे जो रहता है, और रूमेटिज्म, ठीक है ना। तो अब कुछ चीज़ें जो हैं यहाँ पर तुम लोगों को फिर बता रहा हूँ मैं, जिन लोगों को थोड़ी दिक्कत आती है, वो दिक्कत क्या आती है? बच्चे ने आज एक ड्रग पढ़ा, अगले दिन दूसरा पढ़ लिया। देखो जब CNS पढ़ रहे हैं ना, ड्रग्स ऑफ सेंटर नर्वस सिस्टम, तो सारे ड्रग्स ना एक बार ही क्या करोगे, उसको सामने से लिख करके एक काम खुद से करना पड़ेगा। देखो तो ये काम खुद से करोगे ना तो बहुत इजीली याद होगा। चार्ट बनाओ पेपर पे, खुद से ये काम, बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टेंट, जो मेन मेन चीज़ें जो कॉमन कॉमन लग रही है, पिछली बार बताया था, उनको एक साथ लिख लो सामने। वो जब सातों चीज़ें सामने रहेंगी तो कंपेरेटिव पढ़ना उसको क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अब मैं ये सब चीज़ें नहीं कर पाऊँगा क्योंकि अभी क्या है, टाइम बहुत कम है। अभी टाइम अगर होता, हमारा सिलेबस पूरा हो गया था, तो ये सारी चीज़ें मैं एक बार को कराता, लेकिन अभी क्या है, सिलेबस ही हमको ख़त्म करना है, कॉग्नोसिस एटलीस्ट हो जाए जैसा मैंने कहा था। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री चैप्टर 4 बस आज
या कल में स्टार्ट हो जाएगा बहुत जल्दी और वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट फार्माकोग्निशन भी कंप्लीट हो जाए। तो क्लियर है क्या करना है? जैसा मैं आइडिया बताता जाता हूं बिल्कुल वैसा करते जाओ, बहुत आसान है, ठीक है। फार्मेसी पास करना एकदम आसान हो जाएगा। चले आगे, ओके। एफेड्रा, एफेड्रा देख सकते हैं कुछ इस तरह झाड़ फूस टाइप का रहता है और ये पास से देखेंगे तो कुछ हमको ऐसा दिखाई पड़ेगा। क्लियर है एफेड्रा, इसका नाम क्या है? एफेड्रा सिनिका इज एन हर्ब। ये भी क्या है? हर्ब है विद अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ यूज इन ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, ठीक है ना। चाइनीज मेडिसिन में बहुत टाइम से इस्तेमाल होता रहा है, किसके लिए? अस्थमा के लिए, ब्रोंकाइटिस के लिए, एलर्जी के लिए, कोल्ड एंड फ्लू सिम्टम्स के लिए, ठीक है ना। सिनोनिम की बात करें तो मा हुआंग और सोमकड़ी के नाम से ये जाने जाते हैं। तो इसका एफेड्रा का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कहाँ किया गया? चाइना में किया गया, ठीक है। आगे आए, द प्राइमरी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इन एफेड्रा आर, प्राइमरी यानी कि मेन जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जो खास इंग्रेडिएंट है, इंग्रेडिएंट मतलब तत्व जो इसके अंदर पाया जाएगा, केमिकल कंपोनेंट जो इसके अंदर पाया जाएगा वो क्या है? एफेड्रीन, अल्कोलाइड एफेड्रीन एंड सूडो एफेड्रीन, है ना, एफेड्रीन और सूडो एफेड्रीन। बहुत इंक्रीज हार्ट रेट है, दोनों क्या करते हैं? हार्ट बीट को बढ़ा देते हैं, धड़कने बढ़ा देंगे। कंस्ट्रिक्ट ब्लड वेसल्स, जो हमारी नसें होती हैं खून की, उसको क्या कर देंगे? पिचका देंगी। डायलेट ब्रोंकियल ट्यूब, यानी कि जो ब्रोंकियल ट्यूब होती हैं उनको थोड़ा सा फैला देंगी, ठीक है ना। अब देखो ये सारी चीज़ें हैं, हार्ट ब्लड वेसल का पिचकना, डायलेट ब्रोंकियल ट्यूब्स, एंड हैव थर्मोजेनिक प्रॉपर्टी टू इंक्रीज बॉडी हीट, है ना। बॉडी की हीट को भी थोड़ा सा टेम्परेचर क्या करता है? बढ़ा देता है। एंड मेटाबॉलिक रेट, हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को भी क्या करता है? ये इंक्रीज करता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें ब्रोंकाइटिस, एलर्जी और अस्थमा में क्या होती हैं? हेल्पफुल होती हैं। क्लियर है, आगे आते हैं। तो बायोलॉजिकल सोर्स की अगर हम बात करें इसके, तो बायोलॉजिकल सोर्स के यंग स्टेम ऑफ, जो यंग स्टेम होती है, एफेड्रा सिनिका चाइना में, एफेड्रा जेरार्डियाना इंडिया, ठीक है ना। एफेड्रा ये जो हमारे कंट्री में पाया जाता है उसका नाम है एफेड्रा जेरार्डियाना, और जो चाइना में पाया जाता है उसका नाम है एफेड्रा सिनिका, है ना। कोई एक भी नाम लिख सकते हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों की फैमिली सेम है, एफेड्रेसी। कौन सी फैमिली है? एफेड्रेसी। क्लियर है, स्टेम का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे चाइना का हो चाहे इंडिया का हो, दोनों का स्टेम इस्तेमाल होगा, दोनों की सेम फैमिली है। तो चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, ये ज़्यादा लिखा जाता है, ठीक है ना, चॉइस तुम्हारे पास है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, इट कंटेन्स अमीनो अल्कलाइड्स, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होते हैं? अल्कलाइड्स होते हैं, उनके अंदर क्या होते हैं? अमीन्स होते हैं। क्या क्या है? दो तो याद ही होंगे, एफेड्रीन, नॉर एफेड्रीन, एन मिथाइल एफेड्रीन, स्यूडो एफेड्रीन, अब ये तो याद ही हो गए होंगे, ऊपर डिस्कस किया था हमने, और नॉर स्यूडो एफेड्रीन। तो कहीं ना कहीं जो बातें ऊपर डिस्कस करते हैं वही बातें नीचे आती हैं, तो मेरे ख्याल से चीज़ों को लर्न करना ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। थेरोपेटिक एफिकेसी की बात करें तो हाइपोटेंशन अंडर एनेस्थीसिया किसके लिए ट्रीट होता है? अगर जो किसी को एनेस्थीसिया दे दिया है, बेहोश हो रखा है और उसका बीपी डिक्रीज कर रहा है, तब इसका इस्तेमाल करेंगे। एलर्जी कंडीशन है, किसी को एलर्जी है, ब्रोंकियल अस्थमा है, या नेजल कंजेशन है, नाक जकड़ी हुई है, उन केसों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है, चले आगे, ओके। नाउ ओपियम, ओपियम अफीम का पौधा देखा है कभी? इसकी प्रॉपर खेती होती है, लीगल परमिशन होता है, सब कुछ होता है, कुछ ऐसा हमको दिखाई पड़ता है। ये इसका एक तरह से कह सकते हैं हम लोग फूल टाइप का आ जाता है, इसमें कट मारा जाता है और कट मार के जो इसमें से ये टपक रहा है, ये इसी को कलेक्ट करके इसी से फिर क्या कलेक्ट बनाया जाता है? अफीम वगैरह जो, या फिर जो हमारी कुछ और मेडिसिन वगैरह है वो इसी के अंदर से फिर क्या करी जाती हैं? एक्सट्रैक्ट करी जाती हैं, ठीक है, निकाली जाती हैं। तो ओपियम और पॉपी टीयर, है ना, आंसू टाइप टपक रहा है इसलिए इसे पॉपी टीयर भी बोलते हैं। इस ड्राइड लेटेक्स, लेटेक्स बता चुका हूँ ना पहले ही मैं, दिखाया था मैंने पेड़ में से जो गोंद जैसे निकलता है, चाहे उसको समझ लें या इसको समझ लें, पेड़ के अंदर से कोई भी चीज़ निकलती है तो उसको रेजिन्स या लेटेक्स के नाम से बोल दिया जाता है। ऑब्टेन फ्रॉम द सीड कैप्सूल, इसको क्या नाम दिया गया है? सीड कैप्सूल बोला गया है। क्या बोला गया है? सीड कैप्सूल ऑफ द ओपियम पॉपी, ठीक है। कहाँ से निकला ये? ओपियम पॉपी, ये इसका नाम है। आगे आते हैं, क्या बोल रहा है ये? अप्रॉक्सीमेटली 12% ऑफ ओपियम इज मेड अप ऑफ द एनाल्जेसिक अल्कोलाइड, लगभग इसके अंदर जो 12% अल्कोलाइड होते हैं, ठीक है ना, 12% ओपियम जो होता है उसके अंदर एनाल्जेसिक अल्कोलाइड होते हैं, पेन किलर वाले होते हैं। मॉर्फिन बहुत पुराना मेडिसिन है, मॉर्फिन का इस्तेमाल लड़ाई वगैरह में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। फौजी जो होता है, जब गोली वगैरह लग जाती है तो मॉर्फिन के दो काम होते हैं, एक दर्द से राहत देता है, दूसरा क्या करता है, उसको धीरे से सुला भी देता है। तो उसमें क्या है, उसको राहत मिलती है। मॉर्फिन का इस्तेमाल आफ्टर ऑपरेशन,
जो हॉस्पिटल वगैरह में बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं उस तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। पेशेंट थोड़ा सोता रहता है लंबे समय तक और दर्द का एहसास नहीं होता है, ठीक है। विच इज प्रोसेस्ड केमिकली टू प्रोड्यूस हीरोइन एंड अदर सिंथेटिक ओपियाइड। अब जो मॉर्फिन निकलता है, ठीक है, इसी को फिर आगे हम लोग क्या करते हैं, केमिकली प्रोसेस करते हैं, और इसी के अंदर से फिर हम लोग हीरोइन और अदर ओपियाइड को निकाल लेते हैं जिनका मेडिसिनल यूज होता है एंड फॉर द इलीगल ड्रग ट्रेड। कुछ लोग इसको इलीगल, है ना, हीरोइन वगैरह का इलीगली निकाल करके उसको ट्रेडिंग करते हैं ना, चरस गांजा टाइप का, जो कि गलत होता है, ठीक है ना। द लेटेक्स सो कंटेन द लेटेक्स आल्सो कंटेन्स द क्लोजली रिलेटेड ओपियाइड्स कोडीन। इसके अंदर उसी से मिलता जुलता एक और चीज पाई जाती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोडीन, है ना। कोडीन नाम का पहले एक सिरप आता था तो खांसी से बहुत राहत देता था, याद है, बंद हो गया है क्योंकि क्या करते हैं लोग इसको नशे के लिए इस्तेमाल करते थे। एंड थियाबीन एंड नॉन एनाल्जेसिक अल्कोलाइड सच एस पेपावरीन एंड नोस्कोपिन। नोस्कोपिन का भी सिरप आता है कोस्कोपिन करके, है ना, जो इन लोगों को मेडिकल स्टोर है वो लोग समझ पा रहे होंगे। तो देखो, कोडीन, थियाबीन, नोस्कोपिन, कोस्कोपिन, पेपरवरीन, तो ये इन 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 करके आ रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। ओके, सिनोनिम की बात करें तो रोपियम, गम ओपियम और अफीम के नाम से जाना जाता है ये। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें, ओपियम इज द ड्राइड मिल्की, देखा था हमने अभी, ये दूध जैसा है तो ड्राइड सुखा लेते हैं, मिल्की एक्सुडेट, एक्सुडेट मतलब जो किसी के अंदर से रिस करके बाहर आया, कट मार दो उसके अंदर रिस रहा धीरे धीरे, डेट इज कॉल्ड एक्सुडेट, लिख लो इसकी हिंदी, है ना, जिसमें से कट मार दो और कोई चीज धीरे धीरे रिसती रहे, डेट इज एक्सुडेट। डेराइव्ड फ्रॉम द अनराइप सीड, पका हुआ नहीं है अभी, कच्चा है ये बीज। कैप्सूल ऑफ द पॉपी, उसमें कट मार देते निकलता रहता बाहर प्लांट। पेपेवर सोमनिफेरम ऑफ फैमिली पेपेवेरेसी, ठीक है ना, नाम क्या है इसका, पेपेवर सोमनीफेरम, फैमिली क्या है, पेपेवरेसी, क्लियर है। केमिकल कंस्टिट्यूएंट की बात करें तो कंटेन 30 डिफरेंट अल्कोलाइड, द मेन की बात करें ऊपर हम डिस्कस कर ही चुके हैं, मॉर्फिन, कोडीन, नोस्कोपिन, पेपेवरिन, थियाबिन और नारसिन। थेरेप्यूटिक एफिकेसी, एनाल्जेसिक, सेरेटिव, हिप्नोटिक, एंटीकफ और ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट डायरिया, इन सब चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्लियर है। चलें आगे, नाउ द टी लीव्स, टी लीव्स कहीं ना कहीं टी पता है, टी के अंदर कैफीन होती है, चाय पत्ती, चाय पीते हमें जोश आता है, जोश नहीं आता एक्चुअली, हमारा दिमाग एक्टिव हो जाता है, उसके अंदर एक केमिकल होता है कैफीन जो नर्वस सिस्टम को क्या कर देता है, एक्टिव कर देता है, तो हमको क्या लगता है कि हम सोचते हैं कि सुस्ती दूर हो गई। आओ देखते हैं, द टी लीव इज स्पीसीज ऑफ एवरग्रीन श्रब, ये एवरग्रीन है, सदाबहार है, और स्मॉल ट्रीज, ठीक है ना, क्या ये स्मॉल ट्री इन द फ्लावरिंग प्लांट, देखो छोटे छोटे बागान टाइप के रहते हैं, फिल्म वगैरह हम दिखाते हैं, ऐसे लेडीज वगैरह रहती हैं पीछे डाल देते पत्ते तोड़ तोड़ के डालती रहती हैं, याद आया, ठीक है। टी लीव्स एवरग्रीन है, छोटे पेड़ होते हैं ये, ठीक है। द फ्लावरिंग प्लांट फैमिली थियसी, इसकी फैमिली क्या है, थियसी है, देखो ऊपर से देखोगे तो ऐसा मिलेगा, और कई बार जो एड वगैरह देखते हो तो उसमें तुम्हें साइड व्यू देखने को मिलता है कुछ इस टाइप से, है ना, ये पत्ते ऐसे निकले रहते हैं, साइड व्यू देखने को मिलता है, तो ये साइड से ऐसा है, ऊपर से ऐसा पत्ता ऐसा दिखाई पड़ता है, ठीक है। इट्स लीफ एंड लीफ बर्ड्स, है ना, इसके पत्ते और पत्तों की जो कलियां होती हैं आर यूज टू प्रोड्यूस टी, इन दोनों का इस्तेमाल होता है चाय बनाने के लिए। कॉमनली नेम्स इंक्लूड टी प्लांट, टी श्रब एंड टी ट्री, इसको हम लोग टी श्रब या टी प्लांट या टी ट्री के नाम से भी जानते हैं। आगे देखें जरा इसको क्या बोल रहा है, ये व्हाइट टी, येलो टी, ग्रीन टी, ओलोंग, डार्क टी एंड ब्लैक टी, ठीक है ना, आर ऑल हार्वेस्टेड फ्रॉम वन ऑफ द टू मेजर वराइटीज ग्रोन टूडे। ये जितने भी टी आजकल बनाई जा रही है, ग्रीन टी, येलो टी, व्हाइट टी, है ना, ये लगभग दो ही वरायटी से बनाई जाती हैं। एक है हमारे पास सी साइनेंसिस वरायटी साइनेंसिस और सी साइनेंसिस वरायटी आसामिका, ठीक है ना, तो बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया, कौन कौन सी आ गई मेरे पास, एक है सी साइनेसिस जिसकी वैरायटी है साइनेसिस और एक सी साइनेसिस वैरायटी क्या है असामिका, ये दो प्रजातियां हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग दुनिया भर की टी बनाने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। अब ये कुछ बच्चे सोच रहे हैं सी क्या है, सी कुछ और नहीं है, सी का मतलब है कमेलिया, इसका जीनस का नाम है, सी इसके जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है और साइनेसिस क्या है स्पीसीज का नेम हो गया। ओके, बट आर प्रोसेस डिफरेंटली टू अटेन वेरिंग लेवल ऑफ ऑक्सीडेशन, इन्हीं पत्तों को निकाल करके हम लोग अलग अलग लेवल पे इसको प्रोसेस करते हैं, किसी में कम किसी में ज़्यादा, ठीक है ना, उसको ऑक्सीडेशन जो होता है, तो
कोई काली चाय हो जाती है, ठीक है ना, कोई ग्रीन टी हो जाती है, इनका प्रोसेस लेवल अलग अलग रहता है। तो क्या कह रहा है, ऑक्सीडेशन विद ब्लैक टी बींग द मोस्ट ऑक्सीडाइज, ग्रीन टी बींग द लीस्ट। जिसका सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन हो जाता है वो ब्लैक चाय बनाता है, जिसका सबसे कम ऑक्सीडेशन होता है वो ग्रीन चाय बनाता है। क्लियर है, आगे आते हैं। सिनोनिम क्या है, फोलियाथिया, ठीक है। फोलिया वर्ड कहीं ना कहीं पत्ते को रिप्रेजेंट करता है। ओके, बायोलॉजिकल सोर्स ऑब्टेन फ्रॉम द ड्राइड लीव्स, सूखे पत्ते ऑफ प्लांट कैमेलिया साइनेसिस, फैमिली थिएसी। क्लियर है। केमिकल कॉन्स्टेंट की बात करें तो कैफीन, थियोब्रोमीन, थियोफाइलिन, पॉलीफिनॉल्स की बात करें तो पाए जाते हैं इसके अंदर कैटकिन, एपिकैटकिन, ठीक है ना, गैलोकैटकिन बोल लो या कैटकिन बोल लो, जैसे तुमको याद रहे, गैलिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड एसेंशियल ऑयल्स, ये सब चीजें इसके अंदर पाई जाती हैं। क्लियर है, ओके, आगे आते हैं। थेरेप्यूटिक एफिकेसी की बात करें तो कहीं ना कहीं पता है हम लोग ग्रीन टी का इस्तेमाल पतले होने के लिए करते हैं, चाय का इस्तेमाल सुस्ती दूर भगाने के लिए करते हैं, तो एंटी ओबेसिटी मोटापा कम करने के लिए, कार्डियो प्रोटेक्टिव है ना, हार्ट बीट फास्ट होती है इससे, न्यूरो प्रोटेक्टिव है, नर्व्स को भी प्रोटेक्ट करता है, ऑस्टियो प्रोटेक्टिव हड्डियों को प्रोटेक्ट करता है, एंटी माइक्रोबियल बहुत से माइक्रोब्स को किल करता है, और एंटी कैंसर एक्टिविटी प्रॉपर्टीज इसके अंदर पाई जाती हैं। क्लियर है, आगे आते हैं। कॉफी सीड्स, कॉफी सीड्स देखा कभी, कॉफी प्लांट तो मेरे ख्याल से नहीं देखा होगा, कुछ ऐसा होता है इसके अंदर जो हरा वाला फिर पीला होकर फिर पकने लगता है, ठीक है, पर्पल से लेकर रेड कलर का पका हुआ फल रहता है, इस फल को जब तोड़ देते हैं तो इसके अंदर बीज निकलते हैं, ठीक है ना, इन बीज को प्रोसेस कर लिया जाता है, तो उस बीज से फिर कॉफी बनाई जाती है। तो देखते हैं, अ कॉफी बीन इज अ सीड ऑफ कॉफिया प्लांट, किसका होता है, किसका बीज है ये, कॉफिया प्लांट का, एंड द सोर्स फॉर कॉफी, और ये कॉफी का सोर्स है, इट इज अ सीड इनसाइड द रेड और पर्पल फ्रूट, रेड और पर्पल फ्रूट के अंदर ये सीड पाया जाता है, ऑफन अक्सर रेफर टू एज चेरी, इसको हम लोग चेरी भी कह देते हैं, क्या कह देते हैं, चेरी, जस्ट लाइक ऑर्डनरी चेरी, जो साधारण चेरी होती है, बेर होती है, ठीक है, द कॉफी फ्रूट इज ऑल्सो सो कॉल्ड स्टोन फ्रूट, इसको हम लोग स्टोन फ्रूट भी कह देते हैं, क्यों, बेर में क्या होता है, ऊपर पल्पी होता है खाने वाला, अंदर गुठली होती है, हार्ड हार्ड, सेम इसके अंदर होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्टोन फ्रूट भी बोल देते हैं। द फ्रूट चेरीज और बेरी मोस्ट कॉमनली कंटेन टू स्टोन विद देयर फ्लैट साइड टूगेदर, इसके अंदर दो स्टोन पाए जाते हैं, है ना, मतलब बीज के दो हिस्से होते हैं, ऐसे चिपके रहते हैं, दो को जोड़ दो तो इस तरह से दो मिल करके एक बीज बनाते हैं, ठीक है ना, उसकी बात बता रहा है, विद देयर फ्लैट साइड टूगेदर, ना, जो इसके चपटे वाले साइड होते हैं वो एक साथ ऐसे रहते हैं, अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ चेरी कंटेन अ सिंगल सीड, बहुत ही कम चेरीज के अंदर एक सिंगल सीड पाया जाएगा, मतलब ज्यादातर तो क्या, सीड के दो टुकड़े होते हैं, जैसे मूंगफली के दो दाने होते हैं, वैसे इसके भी दो टुकड़े हो जाते हैं, दो दाने हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक ही दाना रहता है, उसको दो हिस्से नहीं कर सकते, जैसे गेहूं, गेहूं का बीज होता है ना, उसमें उसको दो हिस्से नहीं कर सकते हम लोग, और मूंगफली के बीज के दो टुकड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कुछ के अंदर सिंगल सीड भी पाया जाता है इंस्टेड ऑफ यूजुअल टू, जो कि दो जनरली पाए जाते हैं, दिस इज कॉल्ड पी बेरी, जिसके अंदर एक सीड पाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पी बेरी कहते हैं। क्लियर। द टू मोस्ट इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट वराइटीज ऑफ कॉफी प्लांट, जो सबसे ज्यादा इकोनॉमिकली फायदेमंद वरायटी है कॉफी प्लांट की, आर द अरेबिका एंड रोबस्टा, कौन कौन सी है, अरेबिका या अरेबिका एंड रोबस्टा। क्लियर। 60% ऑफ द कॉफी प्रोड्यूसर्स वर्ल्ड वाइड इज अरेबिका एंड 40% इज रोबस्टा, पूरी दुनिया में जो कॉफी बनती है उसमें लगभग 60% होती है अरेबिका से और 40% बनाई जाती है रोबस्टा से, मतलब ओवरऑल जो कॉफी दुनिया भर में बनाई जा रही है, जो कॉफी इस्तेमाल की जा रही है, अगर हम उसको परसेंटेज निकाल लें तो 60% जो बनती है अरेबिका से, 40% रोबस्टा से। अरेबिका बीन कंसिस्ट ऑफ 0.8 से 1.4% कैफीन एंड रोबस्टा बीन कंसिस्ट ऑफ 1.7 से 4% कैफीन। क्लियर है। तो अब की बार ध्यान रखना कि कैफीन किसके अंदर ज़्यादा है, रोबस्टा। तो जो तुम लोग लोगे आज जाना, जो लोग कॉफ़ी पीते हैं नेस्कैफे में, जिस ब्रांड की भी आप पी रहे हो उसमें जाकर देखना कि वो कॉफ़ी किस प्लांट से बनाई गई है, ठीक है, चेक करना, मजा आएगा। सिनोनिम की बात करें तो कॉफ़ी सीड और कॉफ़ी बीन। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम ड्राई ड्राइव सीड कॉफिया अरेबिका और फैमिली रूबिएसी, ठीक है ना, कॉफिया अरेबिका से और फैमिली क्या है, रूबिएसी। ओके, केमिकल कंस्टेंट की बात करें, इट कंटेन ऑयल, वैक्स, कैफीन, एरोमेटिक ऑयल, टैनिक एसिड, कैफीटैनिक एसिड, गम, सुगर, प्रोटीन और, ठीक है, सुगर, प्रोटीन, गम। तो
ये हो गया। इसके अंदर क्या पाए जाने वाले केमिकल, थेरापेटिक एफिकेसी की बात करें तो ये क्या क्या काम में आता है, और देखें जरा इसको हम लोग। बूस्ट एनर्जी लेवल, जैसे मैंने बताया था कि हमको हमारे अंदर एकदम से क्या लेके आएगा, चुस्ती लेके आएगा, हमारा सुस्ती वगैरह दूर कर देगा। इम्प्रूव फिजिकल परफॉर्मेंस, है ना, अगर तुम कोई काम करो फिजिकल एक्टिविटी, कुछ लोग इसको क्या करते हैं, कॉफ़ी को यूज़ करते हैं रनिंग वगैरह करने से पहले या फिर जिम जाने से पहले, इससे क्या होता है बॉडी एक्टिव हो जाती है, हमारी परफॉर्मेंस लेवल थोड़ी सी बढ़ जाती है। अ वेरी बेनिफिशियल फॉर लिवर, लिवर के लिए बहुत अच्छा है। रिड्यूस डिप्रेशन, डिप्रेशन को कम करता है। प्रिवेंट गाउट, गाउट जो घुटनों का दर्द का बात है उसको भी कम करता है। कैन एड इन वेट लॉस, हमारे वजन लॉस में भी एड मतलब सहायक होता है। कॉफ़ी कैन लोअर रिस्क ऑफ डायबिटीज, डायबिटीज के रिस्क को कम कर देता है। हेल्प क्लीन द स्टमक, स्टमक को क्लीन करने में हेल्प करता है। रिड्यूस रिस्क ऑफ कैंसर, कैंसर के रिस्क को भी रिड्यूस करता है। प्रिवेंट ऑनसेट ऑफ डिजीज सच एज अल्जीमर्स एंड पार्किंसन, पार्किंसन और अल्जीमर डिजीज के शुरुआत होने को क्या करता है, रोकता है, ये कि वो शुरू ना हो। अगर हो रहे हैं, कॉफ़ी ज़्यादा पी रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये डिजीज थोड़ी सी कम हो जाएंगी। क्लियर है, चले आगे। कोका है ना, लास्ट जो हमारे पास प्लांट है डेट इज कोका। तो क्या है ये कोका, इज एनी ऑफ द फोर कल्टिवेटेड प्लांट्स इन द फैमिली अरिथ्रोजाइलेसी। अरिथ्रोजाइलेसी फैमिली में चार वैरायटी पाई जाती हैं, चार प्रजातियां पाई जाती हैं, उनका फैमिली अरिथ्रोजाइलेसी है, ठीक है ना। उनके अंदर चार हैं जिनसे हम लोग कोका को बनाते हैं, मतलब कोका कलेक्ट करते हैं। नेटिव टू कहाँ पर, ये कुदरती तौर पर पाई जाती हैं, साउथ अमेरिका, ठीक है ना, साउथ अमेरिका में नेचुरली पाई जाती हैं। ओके, कोका इज नोन वर्ल्ड वाइड फॉर इट्स साइको एक्टिव अल्कोलाइड। साइको एक्टिव ना, दिमाग पे असर करता है इसका जो अल्कोलाइड होता है कोकेन। इससे क्या मिलता है हमको, सुना है गांजा कोकेन, कोकेन वर्ड आया जाता है, उस कोका से क्या मिलता है, कोकेन मिलता है हमें। वो पीछे पड़ा था, वो अफीम थी वो। द कोकेन अल्कोलाइड कंटेन, क्या कह रहा है, द कोकेन अल्कोलाइड कंटेंट ऑफ ड्राई अरिथ्रोजाइलम कोका, किसका कंटेंट है, कोकेन अल्कोलाइड कंटेंट ऑफ ड्राई सूखा अरिथ्रोजाइलम कोका, है ना, जो प्लांट का नाम है अरिथ्रोजाइलम कोका, वैरायटी कौन सा है, कोका लीव, वॉज मेजर रेंजिंग फ्रॉम 0.23 टू 0.96%। कोकेन जो होती है ड्राई सूखे अरिथ्रोजाइलम कोका के अंदर, इसकी एक वैरायटी कोका की बात कर रहे हैं, वैरायटी मतलब VAR का मतलब वैरायटी, कई सारी वैरायटी हो सकती हैं, उसके पत्तों के अंदर जो कोकेन होती है वो 0.23 से लेके 0.96% तक पाई जाती है। एक्सट्रैक्शन ऑफ कोकेन फ्रॉम कोका, एक्सट्रैक्शन में निकालना कोका के अंदर से कोकेन को निकालना, रिक्वायर्ड सेवरल सॉल्वेंट एंड केमिकल, बहुत सारे सॉल्वेंट और केमिकल की जरूरत होती है। प्रोसेस नोन एज एसिड बेस एक्सट्रैक्शन, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एसिड बेस एक्सट्रैक्शन कहते हैं। विच कैन फेयरली इजीली एक्सट्रैक्ट द अल्कोलाइड फ्रॉम द प्लांट, इसकी हेल्प से हम लोग इसके अल्कोलाइड को बहुत आराम से निकाल लेते हैं, ठीक है। ये लाइन नॉट सो इम्पॉर्टेंट, छोड़ सकते हैं इसको। सिनोनिम कोका, जावा कोका, ह्यूआनोको कोका और ट्रक्सलो कोका, ठीक है। तो ये इससे क्या है, सिनोनिम में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। अब हम बात करें इसके बायोलॉजिकल सोर्स की, तो हमको पता है इसके पत्ते ही होते हैं जिसके अंदर से कोकेन निकाली जाती है, किसके, अरिथ्रोजाइलम कोका वैरायटी, कोका बोलिवियन या ह्यूआनोको कोका, एक वैरायटी, ठीक है। अरिथ्रोजाइलम कोका वैरायटी इपाडू या इपादू, अमेजोनियन कोका, ये अमेजोन में पाए जाते हैं। अरिथ्रोजाइलम नोवा ग्रेनेटेंस वैरायटी, नोवा ग्रेनेटेंस कोलंबियन, ये कोलंबिया में पाया जाता है, बात समझ रहे हो, चार की बात की थी हमने और लास्ट में है अरिथ्रोजाइलम नोवा ग्रेनेटेंस वैरायटी ट्रक्सिलेंस, है ना, ट्रूजिलो कोका के नाम से ये जाना जाता है। तो ये चार वैरायटी हैं, चार प्रजातियां हैं जिसके अंदर से, इनकी सबकी फैमिली अरिथ्रोजाइलेसी है, इनके अंदर से हम लोग कोका लीफ कलेक्ट करके उसके अंदर कोकेन को निकालते हैं। केमिकल कॉन्स्टेंट की बात करें तो कोकेन एकगोनाइन, बेंजोइल एकगोनाइन और सेनामोल एकगोनाइन के कुछ ये केमिकल्स हैं जो इसके अंदर पाए जाते हैं। थेरेपेटिक एफिकेसी की बात करें तो स्टिमुलेटिंग स्टमक फंक्शन, स्टमक फंक्शन को फास्ट करता है, कॉजिंग सेडेशन, है ना, हमको थोड़ा सा नशा जैसा ला देता है। अस्थमा में हेल्पफुल है ये, कोल्ड ठंडी लग जाए तो उसमें हेल्प हो जाती है। और एल्टीट्यूड सिकनेस, ऊंचाई पे चढ़ते वक्त जो हमको अजीब अजीब सी फीलिंग आती है उसको दूर करने में ये हेल्पफुल है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये थे हमारे पास सात ड्रग्स, है ना, जो हमारे नर्वस सिस्टम पर काम करते हैं, ठीक है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, जिनको पढ़ने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है वो
चीजों को टैबुलेट करके टेबल बना के कंपैरेटिव पढ़े, उससे चीजें पढ़ना क्या हो जाएंगी, आसान होंगी। और किससे होगी आसान, रिवीजन करने से, ठीक है ना। रिवाइज तो देखो करना पड़ेगा, बिना रिवीजन के कुछ भी होने वाला नहीं है। तो क्या करना है, रिवाइज करना है और पढ़ना है। ऑल द बेस्ट।